प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 अध्याय 10 ललित का वाक के भाग 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। पीछे हमने 1 और 2 का अध्ययन किया था। अध्याय 3 में कवयित्री कह रही है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आए, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। यहाँ पर सुषुम सेतु का मतलब होता है ये नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नामक दो नाड़ियों के मध्य स्थित है। हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला नामक दो नाड़ियों के बीच में ये सुषुप्ता नाड़ी रहती है। मांझी का मतलब है नाविक, ये नाव खेने वाला। कवित्री कह रही है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन है। कवित्री का कहना है कि उसने तो भव सागर से पार होने का सीधा मार्ग ही चुना था, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते वह हट योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। सुषुप्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में उसका सारा जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। वह उद्धार के लिए कुछ भी पूंजी नहीं कमाई, यानी उसने कभी भी ऐसी पूंजी नहीं कमाई जो भगवान को देने लायक हो। गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुरु की पूंजी भी उसके पास नहीं है, यानी उसने ऐसी कोई पूंजी, दिव्य पूंजी नहीं कमाई जिससे वो भगवान के पास जाए तो जाते ही उनको उसकी उतराई दे। अतः किस योग्यता के बल पर वह उद्धार से की आशा करती है। यहां पर सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। हठ योगी सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी जागृत करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं होती हैं जो साधु लोग करते हैं, वही साधना के बारे में कवयित्री कह रही है। यानी कवयित्री ये कह रही है कि अपना सारा जीवन व्यर्थ ही हठ योग की साधना में उसने बिता दिया। अगले में देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यानी कवित्री कहती है कि ईश्वर यानी शिव, शिव का मतलब है ईश्वर, इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना, ईश्वर का तिरस्कार करना है, निरादर करना है। ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी को मनुष्य के बीच भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी की ज्ञान की कसौटी आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानना है। यानी ज्ञानी वही ज्ञानी है जो स्वयं को जान ले, जो अपने आप को जान लेता है वही ईश्वर को जान सकता है, वही है साहिब से पहचान। जो अपने आप को जान ले वही ईश्वर को जान सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी के लिए, सभी के भीतर विद्यमान है। इसलिए जो ईश्वर को जान लेता है, जो खुद को जान लेता है वही ईश्वर को जान लेता है। इस तरह से हमने इस अध्याय के 4 भागों का व्याख्या
और उनका अर्थ समझा। आपको इसी अध्याय के ये 7 अभ्यास प्रश्न करने हैं, रचना और अभिव्यक्ति आपको नहीं करनी है। इस प्रश्नों के उत्तर या भावार्थ आपको कोई भी अर्थ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से फोन या व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। अगले ऑनलाइन क्लास में नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।